हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जयंती सीरीज़। तो ये सेकेंड सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। हमने फर्स्ट सीरीज़ का 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। और वैसे ही इस सीरीज़ में भी हम आज टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन सीरीज है आपके UPSC से लेके SSC सभी एग्जामों में हेल्प करेगा। वो कैसे, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़े दिखेंगे, लेकिन इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वो बिल्कुल लॉजिकल होगा और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए और डटे रहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जवाब देना है कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड। ओके, तो देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड के से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, उन्हें आपको चूज करना है। ठीक है, अब देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड आपने अगर पढ़ा हो, छावनी बोर्ड क्या है, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है, उसकी स्थापना कब हुई और उसको कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज करती है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को डील करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए दोस्तों क्या है, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो भी क्या है नागरिक, अगर प्रशासनिक की बात करते हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड, सिविलियन पॉपुलेशन से। ठीक है, तो जो भी कैंटोनमेंट एरिया होता है और उसमें जो जनता रहती है, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रावधान या फिर विचार कौन करता है, कैंटोनमेंट बोर्ड करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका क्या मतलब है, इसका जो भी प्रशासन होता है वो किसके नियंत्रण में होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यानी कि बताइए गृह मंत्रालय की अगर हम संघ में बात करें, संघ मंत्रालयों में, तो गृह जो मामलों के मंत्रालय हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को। थर्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मेरी समझ से देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि इसका स्थापना का उद्देश्य ही यही है कि जो कैंटोनमेंट एरिया है ना वहाँ पे क्या करना, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करना, किससे रिलेटेड, सिविलियन पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ही होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का। और इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है दोस्तों, इसमें क्यों, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी कैसे पता चलेगा, अभी आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा। ठीक है, अब इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखिए अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर हम कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना की बात करें तो कैंटोनमेंट एक्ट 2005 आया था। ठीक है, और उसके सॉरी 2005 नहीं है, कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 आया था, कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 2006। ठीक है, अब इसमें या फिर कैंटोनमेंट एक्ट 2006 या कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 की बात करें। ठीक है, अब इसमें देखें हम क्या प्रावधान था कि जो भी जो कैंटोनमेंट छावनी एरिया होता है उसमें जो अगर हम बात करें कि नगर पालिका का जो प्रशासन है, ठीक है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ की जो भी कैंटोनमेंट एरिया में पॉपुलेशन है, जो भी नागरिक रहते हैं उन पे जो मतलब जो भी उनकी बैठकें होंगी, ठीक है, उसमें जो अध्यक्ष का कार्य करेगा ना वो डिफेंस सेक्टर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि उस सेक्टर में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो भी वहाँ पे अध्यक्षता का कार्य, अध्यक्षता का पदभार निभाएगा वो कौन होगा, जैसे उस क्षेत्र को, ठीक है, उस क्षेत्र में जो भी सैन्य अधिकारी बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है ना, जैसे कैंटोनमेंट एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो सैन्य अधिकारी बोर्ड होता है, ठीक है, उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, वो भी कैंटोनमेंट बोर्ड का क्या करता है, जो बैठकें होती हैं उसकी चेयरमैनशिप या अध्यक्षता या प्रेसिडेंसी बोल दीजिए वो संभालता है। ठीक है, तो इससे डिफेंस कनेक्ट हुआ, अब इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए सेकेंड स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पे होम मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडेड था। ठीक है, और इस हिसाब से इसमें जो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने उसकी स्थापना देख लिया, यहाँ पे उसका उद्देश्य देख लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। देखिए पार्टली इलेक्टेड जो मेंबर आते हैं, ठीक है, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, उनका केवल कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर ही जैसे चेयरमैन थे वो क्या थे, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। और आप बोल लें कि जो उस कैंटोनमेंट एरिया में अभी हमने बात किया था जो सैन्य बोर्ड होता है, ठीक है, उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वही अध्यक्षता निभाते हैं, तो वो तो नॉमिनेटेड हो जाएंगे, या तो फिर आप बोल लें कि पदेन सदस्य होते हैं, पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो उपाध्यक्ष की बात होती है
वो इलेक्ट होके आते हैं और वो उसी एरिया से इलेक्ट होके आते हैं, उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट थर्ड एंड फर्स्ट करेक्ट हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर वन का अगर उद्देश्य देखें तो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, जानकारी भी अच्छी लगी होगी, है ना दोस्तों। तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, और एक काम कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे उम्मीद है, और सही जो आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, और अगर नोट भी बना रहे हैं कुछ पॉइंट्स का, तो फिर उसे आप एक बिल्कुल संक्षिप्त में लिखिएगा कि एग्ज़ाम टाइम में आप क्विक एक बार ही देख लें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, और देखिए फीडबैक देना मत भूलिएगा, अगर वीडियो और फिर कंटेंट आपको पसंद आएंगे तो डेफिनेटली आप, जाहिर सी बात है, आप फीडबैक देंगे, है ना, तो जुड़िएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रामानुजन प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे रामानुजन प्राइज़ के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, मैथमेटिक्स की दुनिया में रामानुजन प्राइज जो है उसके ऊपर बात हो रही है। एक मिनट, ओके, अब इसमें देखिए क्या है, इट इज़ अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। मतलब ये जो पुरस्कार है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा दिया जाता है, किनकी याद में, श्रीनिवास रामानुजन की याद में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गया। सेकेंड है, नो वुमेन हैज़ बीन अवार्डेड दिस प्राइज टिल नाउ, अभी तक इसको किसी भी महिला को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन ही इसीलिए आया है। ठीक है, क्योंकि ये 2021 में अगर हम बात करें प्रोफेसर, चलिए ठीक है, अभी हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, द प्राइज़ इज़ अवार्डेड टू अ रिसर्चर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री तो ठीक है, लेकिन रिसर्चर, ठीक है, ये रिसर्चर नहीं है एक्चुअल में, ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो युवा निकल के आते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो ठीक है, रिसर्चर केवल यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, अगर यहाँ मैथमेटिक्स होता तो ज़्यादा सही होता। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाता है, थर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, अब इस तरह से आप देखें, क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी कोई बाहर फिर से कोई तड़का लगा दिया और गले को फिर से मसाला पकड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो कॉपरेट कीजिएगा। तो इसमें देखिए, हमने सही आंसर देख लिया, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, रामानुजन प्राइज किसके क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले वो हम जान लें, 2021 में क्या हुआ, एक युवा गणितज्ञ जिनका नाम है, क्या नाम है, प्रोफेसर नीना गुप्ता। ठीक है, 2021 में, ठीक है, कोलकाता में एक कॉलेज है, ठीक है, उसका क्या नाम है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, और उसमें ये क्या है, प्रोफेसर, अगर हम बात करें प्रोफेसर नीना गुप्ता का, ठीक है, आप ये याद रखिएगा इनका नाम, इनको 2021 में क्या दिया गया है, रामानुजन प्राइज। ठीक है, तो इनको कहाँ पे, ये कहाँ पे कार्य करती थी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पे है, कोलकाता में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें आगे बढ़ के एक बात करें, ठीक है, तो रामानुजन जो प्राइज़ है उसको प्राप्त करने वाली ये कौन से भारतीय हैं, कौन से नंबर के, तो प्रोफेसर नीना इस क्षेत्र में चौथे भारतीय हैं। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करें कि वो तीन व्यक्ति कौन हैं जिनको मिल चुका है, ठीक है, उनको भी जान लेना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, 2018 में किनको मिला था, 2018 में एक भारतीय हैं जिनका नाम क्या है, ऋतव्रत मुंशी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, मुंशी लिखता है, एम लिखता हूँ, ऋतव्रत मुंशी। ठीक है, कब मिला था इनको, 2018 में। उसके बाद आते हैं 2015 में फिर से, ठीक है, तीन साल बाद, अब तीन साल मतलब इनके बीच में गैप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इनको यहाँ पे अगर देखें तो अमलेंद्र कृष्णा को मिलता है। ठीक है, अमलेंद्र कृष्णा जी को 2015 में मिलता है, फिर आते हैं हम 2006 में। ठीक है, तो 2006 में एक महिला को मिला था, ठीक है, उनका नाम है सुजाता राम दोराय। ठीक है, क्या नाम है, सुजाता, मैं लिख देता हूँ, राम दोराय आप याद रखिएगा। तो ये रहा हिस्ट्री किसका, जिन्होंने अभी तक रामानुजन प्राइज भारत से पाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आने का उद्देश्य यही था कि प्रोफेसर नीना गुप्ता को 2021 में रामानुजन प्राइज मिला था। अब देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, इसका बैकग्राउंड और भी, ठीक है, कि इसमें पहली बात तो कंडीशन है कि ये केवल 45 साल से जो नीचे होंगे उनको मिलेगा, एक कंडीशन,
उसके बाद दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन गणित का क्षेत्र, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे हमने देखा कि डेवलपिंग कंट्री में मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च करता है तो उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे क्या, नीना गुप्ता की जो हम बात कर रहे थे, नीना गुप्ता का, ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के किस क्षेत्र में कार्य करती थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बीजीय ज्यामिति और विनिमयशील बीजगणित के ऊपर इनका मतलब जो कार्य था वो प्रशंसनीय था। कौन कौन से, बीजीय और जो विनिमयशील बीजगणित होता है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रामानुजन प्राइज का जो पहली बार इसका पुरस्कार वितरित किया गया वो कब, 2005 में, ठीक है। और देखिए 2006 में ही सुजाता राम दोराय बाजी मार ली थी, ठीक है, तो 2005 में। अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिएगा कि इसका मतलब पुरस्कार, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इसको मिलता है, श्री राम निवास रामानुजन की याद में, ठीक है। तो ये कौन सी मतलब इंस्टीट्यूट, कौन सी वो संस्था देती है, तो याद रखिएगा इसको तीन संस्थाएं मिलके इस पुरस्कार को देती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, एक है ICTP, सेकेंड कौन सी है, सेकेंड की बात करें तो ये है NHAM, ठीक है। और उसके बाद थर्ड की बात करें तो IMU। अब इनका फुल फॉर्म जान लीजिए, ICTP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। उसके बाद NHAM का फुल फॉर्म क्या है, नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय लोग कहाँ कहाँ से अपने नाम पे किन किन से पुरस्कार वितरित करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। उसके बाद IMU का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, ठीक है। तो ये तीनों संस्थाएँ मिलके, ठीक है, इस पुरस्कार को आवंटित करती हैं, इनका योगदान होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है दोस्तों, इतना जानकारी तो आपको एकदम बिल्कुल किंग बना देगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द स्टेम सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। देखिए इससे रिलेटेड UPSC 3-4 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स आपके UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि UPPCS में अभी ऐसा पूछा नहीं है, ठीक है, स्टेम सेल के ऊपर, जबकि पूछने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि UPSC के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ये कॉपी करती है बाद में चल के, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरीज। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल कैन क्योर HIV डिजीज। थर्ड है स्टेम सेल कैन बी डिराइव फ्रॉम मैमल्स ओनली, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको अगर स्टेम सेल के बारे में पता हो तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें राइट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। देखिए स्टेम सेल कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरी, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है, इसको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल कैन क्योर द HIV डिजीज, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो ये भी स्टेटमेंट सही है, HIV डिजीज को भी स्टेम सेल से हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेम सेल कैन बी डिराइव फ्रॉम द मैमल्स ओनली, ये गलत है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, केवल ये मैमल से नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये मतलब स्तनधारियों से ही नहीं, अन्य लोगों से भी क्या इसका उत्सर्जन किया जा सकता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होता है। अब देखिए हम थोड़ा सा स्टेम सेल अगर आपको नहीं पता हो, ठीक है, तो मैं स्टेम सेल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। अगर हम देखें एक अमेरिकी मिस्टेज स्टेम कोशिका का अगर हम प्रत्यारोपण की बात करें, ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसीलिए है कि HIV का इन्होंने क्योर किया, ठीक है। तो इसमें एक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, हाँ, इसमें ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि एक अमेरिकी महिला, ठीक है, जो प्रथम महिला थी और तीसरी व्यक्ति थी वो, ठीक है, जिनको इससे क्या मिला है, ट्रीटमेंट मिला है स्टेम सेल थेरेपी से, और स्टेम सेल से क्या हुआ है,
उनका जो HIV डिजीज़ था उसे क्योर किया गया है और ये सफल परीक्षण रहा है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपको मतलब ठीक है, ये न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसमें अगर क्या होता है देखते हैं, जैसे स्टेम सेल से हम क्या करते हैं, स्टेम कोशिकाएँ जो होती हैं ये क्या करती हैं, एक दाता से प्राप्त की गई मतलब की जाती हैं इन कोशिकाओं को, और ये एड्स के विषाणु के प्रति क्या करती हैं, एक एंटीजन तैयार करती हैं, ठीक है, जो नेचुरल रूप से क्या करता है, एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है और क्या करता है, क्योर करता है HIV डिजीज को, यानी कि एड्स की बीमारी को, HIV वायरस के अगेंस्ट ये लड़ता है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट की वजह से ही ये क्वेश्चन आया है। अगर इसमें स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल होता क्या है बताइए, ये मतलब क्या होता है, मानव की सेल ही होती है, ठीक है, जो क्या होती है भिन्न भिन्न प्रकार की, अगर हम कोशिकाओं में देखें तो ये विकसित हो सकती है, जैसे जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं, जो ब्लड, अगर ब्लड सेल्स की बात करें, ठीक है, और जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनमें स्टेम कोशिकाएं विकसित की जा सकती हैं, ठीक है, और ये वहीं पर विकसित होती हैं, और ये मानव कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, और जिनका यूज़ देखिए HIV में भी, जैसे किसी ने अपना स्टेम सेल डोनेट किया, ठीक है, उससे क्या किया गया, HIV को भी मतलब क्योर किया गया, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेशी कोशिकाओं से, रक्त कोशिकाओं से और मस्तिष्क जो कोशिकाएं होती हैं उससे क्या होता है, स्टेम सेल डिराइव्ड होता है, ठीक है, स्पेशली अगर हम मानव की बात करते हैं तो, ठीक है। और स्तनधारियों की जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट है, मैमल्स ओनली, ये गलत क्यों है बताइए, ये कीटों से भी, उभयचरों से भी, पादपों से भी क्या की जा सकती हैं, इन्हें डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कीटों से, तो आपके मतलब स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे ओ भाई कीट आया है, कीट लिखा है, तो कीट से नहीं होता होगा, गलत बात है, इसमें कीटों से भी, और जो उभयचर जैसे मेढक होते हैं, ठीक है, कछुए होते हैं, वहाँ से भी, और जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से भी स्टेम सेल डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट हुआ था। चलिए ठीक है, अगर हम स्टेम सेल की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ये कितनी प्रकार की होती हैं ये इम्पॉर्टेंट है जान लेना, ठीक है। तो टाइप्स यहाँ पे जान लीजिए, टाइप्स कितनी होती हैं इसकी, देखिए एक होता है एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स, एक होता है एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता है, और एक चीज़ और भी है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये तीन प्रकार हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साठ में, और थोड़ा सा समझ लीजिए, एक है एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स, ठीक है, एक मिनट, मैं सेल्स को टी से डिनोट कर रहा हूँ, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स, और उसके बाद क्या है, एडल्ट स्टेम सेल्स, उसके बाद एक क्या है, IPS सेल्स, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो IPS इसको क्या बोलते हैं, IPS सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, ये स्टेम सेल्स के टाइप हैं, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अगर बने तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर हम बात करें भ्रूण की, ठीक है, तो ये जो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स होते हैं ये भ्रूण से निकाले जाते हैं, ठीक है, और क्या होता है इनकी जो मतलब जैसे सप्लाई होती है, ठीक है, तो इसके लिए क्या बहुत, अगर बात करें इज़राइल वगैरह में, ठीक है, और भारत में और बहुत सारे देशों में इस पर मतलब एक तरह से रोक लगी हुई है, ठीक है, इसको अनएथिकल माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स है, एम्ब्रायनिक का मतलब ही है ब्रॉड स्टेम सेल, है ना, तो भ्रूण से इसको निकाला जाता है, और ठीक है, और ज़्यादा पावरफुल होता है जो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक होता है एम्ब्रायनिक स्टेम सेल, ठीक है, और एम्ब्रॉय से ही आपको पता चल जाना चाहिए। और उसके बाद हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, तो एडल्ट स्टेम सेल्स है, ठीक है, इसमें किसी जीव की वृद्धि के समय नई कोशिकाओं की जो सप्लाई होती है, ठीक है, तो जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कोशिकाओं को ये क्या करती हैं, प्रतिस्थापित करती हैं, तो ये एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं। जैसे आपको चोट लगता है तो कोशिकाएं डेड होती हैं, तो उनको जो रिप्लेस करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो एडल्ट स्टेम सेल्स के एग्जांपल में आती हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, जैसे घाव कट जाता है तो वो भरता है ना, तो डेड सेल्स को रिप्लेस करने वाली कोशिकाएं ही क्या हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, तो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स इनको बोलते हैं, जो थर्ड हैं IPS सेल्स जिनको बोलते हैं, ये वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में
ठीक है, इनको तैयार किया जाता है, ठीक है, और इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल्स कैन, एक जगह था कुछ तो, हाँ, कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की, ठीक है, तो इनको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें स्टेम सेल कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरीज, तो इसमें हमें राइट स्टेटमेंट चूज करना था, ठीक है। तो वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया जा सकता है, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरीज, और जो एक्सप्लेनेशन है उसमें अगर इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट, हाँ, यहाँ पे 100% नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो 100% यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ स्टेट्स बिल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेट बिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको क्या करना है, राइट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए ध्यान से पढ़िए एक बारी आप खुद, राज्य के विधेयक के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उनमें से ए है, द प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन द पासेज ऑफ स्टेट बिल, ठीक है। तो इसमें करेक्ट चूज करना है, तो ये तो इनकरेक्ट है। अगर हम देखें स्टेट बिल्स आती हैं कि हमारे वहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट चाहिए, ठीक है, सॉरी काउंसिल चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव वो बनना है, असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, तो मतलब इसमें रोल तो होता है, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टेट बिल्स कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट वंस रिजर्व द गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या है, स्टेट बिल्स कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव एसेंट टू द बिल, ठीक है। उसके बाद नन ऑफ द एबव, ठीक है। अब इसमें देखिए राइट स्टेटमेंट चूज करना है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेटमेंट बी करेक्ट है, ठीक है। वेट अ व्हाइल, व्हाट इज़ हैपनिंग, जस्ट वेट, ओके। इसमें अगर हम बात करें, स्टेट जो बिल है वो कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट वंस, केवल एक बार, रिजर्व द गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले, इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें बाकी के स्टेटमेंट क्या हैं, रॉन्ग है, ठीक है। राज्य के विधेयक को पारित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत। उसके बाद हमने देखा कि राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल, इसमें कोई भूमिका राज्यपाल की नहीं होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अगर हम स्टेट बिल की बात करते हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है, राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति को विधेयक पर अपना स्वीकृति देनी होती है, ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति इसके लिए स्वतंत्र होते हैं, दें या ना दें, उसके बाद ना दिए बस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम स्टेट बिल के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, आरक्षित करते हैं, रिजर्व करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने, ठीक है, बनाने में राज्यपाल की कोई अन्य भूमिका नहीं रह जाती, ये चीज़ आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट बी जो है करेक्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वंस रिजर्व, जब एक बार रिजर्व कर लिया जाता है उसके बाद से गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है उसमें, कानून बनने तक, ठीक है। यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार हित सदन या सदनों के पास वापस भेजा जाता है तो उसमें क्या होता है, ये पुनः पारित हो जाते हैं, तो विधेयक को केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है, न कि गवर्नर के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, और ऐसा यहाँ पे बाध्य करने जैसी स्थिति दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यदि राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकृत कर दे, ठीक है, तो ठीक है, वो अस्वीकृत हो जाता है। और इसमें अगर बात करें राज्यपाल की, इसमें स्वीकृति अस्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इन कथनों पे विचार करना है। ए है,
एडजर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, मतलब स्थगन जो प्रस्ताव आता है ना, स्थगन प्रस्ताव, वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो अविश्वास प्रस्ताव है किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। भाई अविश्वास प्रस्ताव है, उसमें किसी एक मंत्री, थोड़ा सा ध्यान देने जैसी बात है। ठीक है, और उसके बाद सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, जो निंदा प्रस्ताव होता है केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसमें कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है उनके ऊपर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ये राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट वन करेक्ट होता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट वन कहाँ कहाँ पे नहीं है वो देखिए। ठीक है, इसमें देखिए, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन की बात करें। ठीक है, तो ये केवल लोकसभा में ही है, स्थगन प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। भाई मुझसे मिस्टेक हो रहा था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हो जाता है, किसी से भी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, बोलने के चक्कर में ध्यान से उतर गया था, तो ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो एडजर्नमेंट जो स्थगन प्रस्ताव है, एडजर्नमेंट सॉरी, इसी के इर्द गिर्द एक और मोशन है। ठीक है, तो उस वो मेरे दिमाग में चल रहा था। ठीक है, तो एडजर्नमेंट अगर मोशन की बात करें तो ये लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट हो जाता है। सॉरी, आप जहाँ जहाँ पे वन है उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर बी साफ साफ निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड एक बारी देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो सही है, यहाँ पे नॉट करेक्ट चूज करना है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये किसके अगेंस्ट आता है बताइए। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है, ना कि यहाँ पे एन इंडिविजुअल भी दिया ना, वो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, ये गलत है, जो सेंसर निंदा प्रस्ताव होता है वो किसी एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और सेकेंड भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो टू एंड थ्री इसके लिए इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एक बारी फिर से अगर आप क्लियर करना चाहें तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। जो एडजर्नमेंट मोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है। ठीक है, लोकसभा में पारित किया जाता है और आता है, ये बिल्कुल सही है, और ये अगर सही है इसमें नॉट करेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे वन है वो आप हटा देंगे। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी ऐसे सेफ निकल के आ जाता है। ठीक है, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है, ये पूरे मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के अगेंस्ट आता है। याद रखिएगा, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, ये भी आपका गलत है। ठीक है, इसमें एन इंडिविजुअल और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए सही हैं, यानी कि नॉट करेक्ट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छोटू सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी जवाब इसका है। ठीक है, आधा घंटा लगभग हो चुका है और हमारे छठवें क्वेश्चन पे अभी हैं हम, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेन करने के चक्कर में टाइम ज़्यादा चला गया। तो देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री का इलेक्शन, ठीक है, और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन कौन कराता है? रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन इलेक्ट्रॉल रजिस्टर ऑफिसर। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा जवाब है, आपको जवाब पता है, कौन कराता है बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन पार्लियामेंट्री और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, बहुत सिंपल सा है और घुमावदार भी है। ठीक है, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, रिटर्निंग ऑफिसर, वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूज आप जब देखिए, जब कमीशन की बात आएगी
तो चीफ इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन जिसको हम क्या बोलते हैं, CEI बोल सकते हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन CEC बोल सकते हैं, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, या फिर आप बोल लें कि नेशनल इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और एक होता है नेशनल इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो नेशनल इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट्री, या फिर आप बोल लें जो लोकल, सॉरी, एक होता है ना आम चुनाव, ठीक है, तो संसदों का चुनाव, और या फिर आप बोलें स्टेट में जैसे विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, उसमें या विधान परिषद के चुनाव में ये नेशनल इलेक्शन कमीशन ही वर्क करता है। लेकिन जब आते हैं हम छोटे स्तर पे, जैसे ग्राम पंचायत हुआ, ठीक है, जैसे लोकल गवर्नमेंट में बात करते हैं, या फिर जिला पंचायत, तो इसका चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात हो तो रिटर्निंग ऑफिसर इसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी याद करने जैसी, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं, अगर किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे निर्वाचन में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जिसको हम निर्वाचन अधिकारी बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन अधिकारी भी बोलते हैं, वो संबंधित वो जो संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो निर्वाचनों का संचालन होता है उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर होती है, ठीक है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण किसी पदाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी मनोनीत या नामित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, निर्वाचन अधिकारी का मनोनयन कौन करता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, रिटर्निंग ऑफिसर का मनोनयन कौन करता है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो कोई, वहाँ के प्रशासन के परामर्श से, ठीक है, प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य सरकार, ठीक है, अथवा स्थानीय जो प्राधिकारी होते हैं वो किसी पदाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी मनोनीत या नामित करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और एक चीज़ और इसमें याद करने जैसी चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। जैसे इसमें अन्य निर्वाचन अधिकारी जैसे सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, उनका अगर हम देखें उनको कौन सजेस्ट करता है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ठीक है, वो प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसकी सहयोग के लिए क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है, एज अ हेल्पिंग रिटर्निंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, या फिर एडिशनल बोल लें, एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर है ना, तो रिटर्निंग ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि रिटर्निंग ऑफिसर का मनोनयन कैसे होता है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि ECI, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद UT के कौन होते हैं लोग, इस क्षेत्र में जो प्रशासन कर रहे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, परामर्श देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है, किसको एडवाइस देते हैं बताइए, जो भी विधानसभा है, ठीक है, या फिर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो राज्य सरकार, किसी राज्य सरकार के अधीन अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसके प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, अथवा जो वहाँ पे लोकल जो प्राधिकारी होता है, ठीक है, या फिर प्राधिकरण होता है जिसको हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बोलें, ठीक है, या फिर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी या अथॉरिटाइजेशन बोलें, ठीक है, तो
उनको परामर्श देते हैं कौन, ईसीआई और स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूटी के मतलब कुछ प्रशासनिक पद की भाषा मानने वाले लोग, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनके एडवाइस पे स्टेट गवर्नमेंट अपने विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्या करते हैं, किसी पदाधिकारी को, ठीक है, जो वहाँ का कोई स्थानीय प्राधिकरण को संभाल रहा हो, ठीक है, उसको रिटर्निंग ऑफिसर का पोस्ट, ठीक है, मिलता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, इसने क्लियर करना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बारी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज का जो सैलरी है और जो भत्ता है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। ए है, दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। बी है, इट कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट टू द जजेज डिसवर्डेड जजेज डिसएडवांटेज आफ्टर इज अपॉइंटमेंट। इट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। डी है, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट क्या है भाई, देखिए यहाँ पे बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो सैलरी और भत्तों से संबंधित कथन है। तो ए इसमें क्या कह रहा है, इसकी गणना प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, इसको पार्लियामेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है, मतलब ये कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किया जाता है, जो भी स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, क्यों, अगर हम बात करें इनकी सैलरी की बात, ठीक है, या फिर अलाउंस की बात, और अनुपस्थिति छुट्टी पेंशन आदि का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है, न कि प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कौन करता है, पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं हम कि इट कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट टू द जजेज, ठीक है, तो किसी न्यायाधीश की अगर नियुक्ति के बाद हम देखें तो संसद द्वारा ऐसे इन विशेष मतलब संसद द्वारा जैसे इनको जो जजेज आप सुप्रीम कोर्ट चुन लिए जाते हैं उनको विशेषाधिकार मिल जाता है, ठीक है। और इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता अगर कोई जज अपने पोस्ट पे आ गया है, ठीक है। तो वो संसद द्वारा ऐसे विशेष जो इनको मतलब क्या मिलता है, प्रिविलेज मिलता है जज उसको, उसको ख़त्म नहीं कर सकते या फिर उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ जानकारी ऐड करेंगे, इसमें अगर हम उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, अभी उन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है न कि स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट ऐड हुआ था तो इसलिए ये गलत हो गया था, ठीक है, और इस प्रकार से ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया था, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन बी कैन द गवर्नर एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, ठीक है। अब आपको बताना है इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो गवर्नर का राज्यपाल का जो पोस्ट है उसमें अगर डिस्क्रिशन की बात करें, विवेकाधिकार की बात करें, ठीक है, तो कौन से कार्य वो अपने विवेकाधिकार से या फिर कौन से क्षेत्र में कौन सा डिसीजन गवर्नर अपने विवेकाधिकार से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ओके, अब पूरा दिख रहा है क्वेश्चन। अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, डिस्क्रिशन किसका, गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है, जिसका मतलब होता है विशेषाधिकार। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखिए, सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑन द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, राज्य में जो असंवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति को गवर्नर अपना क्या करते हैं, प्रतिवेदन देते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन देते हैं या फिर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि जो स्टेट है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पे संवैधानिक विफलता हो गई है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है,
रिजर्विंग विल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखना। उसके बाद तीसरा है राज्य के निर्वाचन में, यानी कि राज्य अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शन। अगर राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट अगर देखें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, अब कैसे करेक्ट हैं बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमने पहले भी बात किया था, जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अगर स्टेट के अंतर्गत जो संवैधानिक मशीनरी है, ठीक है, वो अगर फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई स्टेट नहीं काम कर रहा होता है, तो क्या करते हैं गवर्नर? गवर्नर ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? रिपोर्ट तैयार करके, ठीक है, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसी स्थिति है सरकार और यहाँ पे एक्शन लीजिए। ठीक है, तो 356 का ही मैटर है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर वन करेक्ट हुआ तो देखिए तीनों में है वन करेक्ट। ठीक है, तो अब तीन की प्रोबेबिलिटी बन रही है। उसके बाद हम सेकेंड की बात करें, रिजर्विंग बिल्स, जाहिर सी बात है वो कोई भी विधेयक को रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो इसमें भी उनका डिस्क्रिशन है, विशेष अधिकार, उनको स्वयं का विवेकाधिकार वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। अगर हम इसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि जो अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर का होता है, ठीक है, उसमें अगर कोई सिंगल पार्टी अपना एक हाईएस्ट वोट नहीं गिन कर पाती है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कि अच्छा ठीक है, मैंने आपको अपॉइंट किया है, अब आप बहुमत सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी उनका खुद का डिस्क्रिशन यूज़ करते हैं। तो इसमें इस तरह से तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ये कथन सारी के सारे आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो डिस्क्रिशन की बात है गवर्नर का, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा 163(1) के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद या आर्टिकल 163(1) के अंतर्गत ये सब लिखित है संविधान में। ठीक है, तो ये याद करने जैसी बात है, तो इसको याद करके रखिएगा, है ना। और अन्य जो विशेषाधिकार विवेकाधिकार है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, और उनको कहाँ तक सीमित किया गया है बताइए। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कुछ वर्डिक्ट आए हैं कोर्टों के, ठीक है, न्यायालयों की बात करें तो मतलब बहुत सारे निर्णयों में देखा गया है कि कुछ जो परंपराओं के आधार पर जो राज्यपाल के विवेकाधिकार को डिस्क्रिशन बोलने में कितना आसान है, नहीं? तो यहाँ पे देखेंगे कुछ वर्डिक जो कोर्ट ने सुना रखे हैं, इनके मतलब जो भी इनका डिस्क्रिशन है, अविवेकाधिकार है, उस पर कुछ मतलब सीमित किया गया है। तो उसमें कुछ हैं जिनको मतलब आप जान लीजिए। अगर आप मतलब छठवीं अनुसूची की बात करें, ठीक है, तो उसमें एक पैरा 9 है, उसमें एक असम के राज्यपाल को मतलब जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसका वो जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो उस पर भी 239(2) की बात करें, 239(2) की जो दिल्ली से संबंध रखता है आपको पता ही है। ठीक है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करना, ठीक है, वो भी एक लिमिटेड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 371 की बात, आर्टिकल 371 की, है ना, तो उसमें क्या है? इसके अंतर्गत जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को एक विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर 356 के तहत हम देखें तो संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता देखते हैं हम, ठीक है, जो हमने देखा था 356 यहाँ पे मेंशन है ना, संवैधानिक तंत्र की अगर किसी स्टेट में विफलता होती है तो वो क्या करते हैं? अपना प्रतिवेदन, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए, रिपोर्ट। ठीक है, तो ये किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत अगर अब मतलब कोई भी बिल है, ठीक है, आर्टिकल 200 के अंतर्गत वो क्या करते हैं? रिजर्व कर लेते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और राज्य के निर्वाचन में अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की जो चीफ मिनिस्टर होते हैं मुख्यमंत्री, उनकी नियुक्ति करने का इनको डिस्क्रिशन है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है ना। चलिए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए, कितना टाइम हो गया, ओके 50 मिनट लग रह जाएगा। विच विथ अ रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी के बारे में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में आजकल पूछे जा रहे हैं ना, छोटे छोटे, जैसे हमने कंटेनमेंट बोर्ड को एक्सप्लेन किया है ना, तो ऐसे इन बातों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में स्टेटमेंट है, अब आपको इससे रिलेटेड जानकारी होगी तो आप सही जवाब देंगे, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीपीसी, ठीक है। दूसरा मतलब देखिए 74th अमेंडमेंट क्या कह रहा है, 74th यानी जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसी ने क्या किया था, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। सेकेंड है, ऑल मेंबर्स ऑफ द डीपीसी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब जो भी डीपीसी के मेंबर होते हैं, ठीक है, वो गवर्नर के द्वारा क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। जो राज्यपाल होता है स्टेट का उसके द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखें, इट हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, वो चाहे गांव से संबंध रखते हों या फिर शहर से संबंध रखते हों, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की जनताओं के लिए क्या करता है, एज ए रिप्रेजेंटेशन का कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अगर हम जानकारी से बात करें तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो जो सभी मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, वो सारे के सारे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते, ठीक है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही डीपीसी की स्थापना की गई थी। और अगर इसमें हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट, मतलब ये रूरल और अर्बन दोनों पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, हमने तीनों स्टेटमेंट देख लिए, ठीक है, और इसमें इस तरह से हम जवाब तक पहुँच गए हैं कि इसमें सेकेंड स्टेटमेंट जब इनकरेक्ट है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, इस क्वेश्चन का उद्देश्य पूरा होगा और हमें थोड़ी सी और जानकारी होगी, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कब हुआ था बताइए, 1993 में हुआ था या फिर 1992 में हुआ था, बताइए। अब ये जानकारी आप हमें दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये भी बताना है कि ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। अगर हम 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 243 जेड, मतलब अगर जेड डी की बात करें, ठीक है, आर्टिकल 243 जेड डी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया किसका, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन होगा, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा, जो जिला पंचायतें होती हैं और जो नगर पालिकाएँ होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो तैयार की गई योजनाओं का ये क्या करेगा, समेकन करेगा और संपूर्ण जिले के लिए जो विकास योजनाएँ आती हैं उसका क्या करेगा, प्रारूप तैयार करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, अभी हमने देखा जो पंचायतें होती हैं, जो नगर पालिकाएँ होती हैं, ठीक है, उनके लिए जो भी योजनाएं तैयार की जाती हैं ना, उसका क्या करेगा, ड्राफ्टिंग करेगा, मतलब उनका समेकन करेगा संपूर्ण जिले के लिए, और जो विकास योजनाएं आती हैं उनका क्या करेगा, प्रारूप तैयार करेगा, कौन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 243 जेड डी के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और जानते हैं, इस अधिनियम के अनुसार अगर हम बात करें तो जिला योजना समिति के जो मतलब सदस्य होते हैं, ठीक है, इनको इनका जो काम है, ठीक है, इनका जो काम है, कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायतों के और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से चुने जाएंगे, ठीक है, कुछ समझ में आया यानी कि 4/5 जो पार्ट है, ठीक है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जो मेंबर आएंगे, ठीक है, ये जिला स्तर पर वो क्या करेंगे, पंचायतों के और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ठीक है,
ये अपने में से चुने जाएंगे। कितने सदस्य? 4/5 सदस्य। कहाँ कहाँ से? जिला स्तर पर जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, और जो जिले के नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य होते हैं वहाँ से ये 4/5 सदस्य, ठीक है, इसमें आएंगे। किसमें? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, जैसे इसमें स्टेटमेंट एक था कि ये केवल गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर इसमें आते हैं, तो ये गलत हो गया था, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा 4/5 सदस्य कहाँ से आते हैं? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, जिला पंचायत क्षेत्र से, और नगर पालिकाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वहाँ से, ठीक है। अब इसमें देखिए समिति मतलब इनकी सदस्य संख्या जो है वो जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपकी थर्ड स्टेटमेंट में लिखित है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, इट हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं की गई है, तो एक विशेष अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता था, ठीक है। इसमें देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमने ली, ठीक है। और इसका अगर स्नैप लें तो एक बार आप इसे देखिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुआ 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ZD के अंतर्गत इसका स्थिति है। DPC में मेंबर केवल गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट नहीं होते हैं, 4/5 पार्ट जिला पंचायत प्लस जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं वहाँ से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन में रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों के जनसंख्या का ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का उद्देश्य समझा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कितना टाइम हुआ? ओके, आपको बताना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से राइट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, गलत, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए प्रेसिडेंट वाले में क्या होता है, जब इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाता है तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट वाले में, ठीक है, प्रेसिडेंट वाले में विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ नॉमिनेट होके जो मतलब निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। और इस तरह से अगर इनकरेक्ट है तो 1 इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, और नन वाला तो अभी बचा है। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल नीड टू बी पास्ड विद द स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इनकरेक्ट क्यों है बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिजोल्यूशन होता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, ठीक है, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, वो भी दोनों हाउस में, ठीक है। और ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है, ठीक है, और इसमें राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए प्रायर नोटिस दिया जाता है 14 दिन से पहले कि उपराष्ट्रपति अब हम आपके अगेंस्ट आपको इम्पीच करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मतलब अगर इनको हटाने से संबंधित की प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 67 में क्या है बताइए, 67 में अगर क्या होता है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जाए तो इसका प्रावधान आर्टिकल 67 में दिया गया है, ठीक है। और उसको हटाने के लिए एक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक औपचारिक ऑफिशियल इम्पीचमेंट की आवश्यकता होती है ना, उस तरह से इसको हटाने के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। वह राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन जो समस्त जितने वहाँ पे सदस्य होते हैं उनका बहुमत से अगर कोई पारित कर दिया गया है, ठीक है, बहुमत से ये जो भी बिल आता है, ठीक है, या फिर जो भी उनको हटाने से संबंधित प्रपोजल रखा जाता है, ठीक है, तो ये राज्यसभा में, ठीक है, वहाँ पे जो तत्कालिक सदस्य होते हैं उनका अगर बहुमत मिल जाता है, ठीक है, तो उतना पर्याप्त है, ठीक है, और इसमें लोकसभा सहमत हो, ठीक है,
ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल मेजोरिटी जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? ऐसा संकल्प राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। बस इतना ही चाहिए एक वाइस प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से बर्खास्त करने के लिए, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होता है। ठीक है, तो समझ में आया? ओके, तो चलिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 14 दिन प्रायर नोटिस दिया जाता है और ये प्रावधान 67 आर्टिकल में दिया गया है। ये सारी मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान में, तो संविधान में वाइस प्रेसिडेंट को हटाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, कि किस प्रकार से हटाया जाना चाहिए, तो तब ध्यान रखिएगा इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आज का 10 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में हमने देखा। थैंक यू वेरी मच, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सेशन को, एंजॉय आपने कितना किया। ठीक है, अगर पसंद आए तो ये है, बहुत पसंद आए तो जुड़ जाइएगा, और उससे भी ज़्यादा पसंद आए ना, जुड़ने के बाद दोस्तों में भी ऐसे ट्रिक मार के फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।